डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की अपकमिंग फिल्म MSG द वॉरियर लॉयन हार्ट का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। खबरों की माने तो डेरा प्रमुख ने हरियाणा के माही सिनेमा में फिल्म के पोस्टर और ट्रेलर को लॉन्च किया। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में डेरा प्रमुख एक एजेंट के रोल में नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डेरा प्रमुख ने अपनी आगामी फिल्म MSG द वॉरियर लॉयन हार्ट के बारे में बात करते हुए कहा कि यह फिल्म हिंदी के अलावा अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषा में भारत सहित दुनिया भर में रिलीज की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस फिल्म में उन्होंने डायरेक्शन, एक्टिंग सहित कुल 30 रोल अदा किए हैं। फिल्म का निर्देशन उनके साथ साथ उनकी बेटी हनीप्रीत इंसा ने भी किया है। दूसरी ओर खबरों की माने तो अपनी फिल्म की कहानी के बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि ये फिल्म ऐसे योद्धा की कहानी है जो बहनों और धरती माँ की इज्जत बचाने के लिए या फिर यूं कह लीजिए कि उनकी रक्षा के लिए एलियंस से लड़ता है। ये फिल्म करीब 300 साल पुराने राजपूत योद्धा की कहानी को दर्शाएगी। जानकारी दे दें कि ये फिल्म महज 25 दिनों में ही पूरी कर ली गई थी। साथ ही इस फिल्म में दो गाने भी हैं। बता दें कि संत गुरमीत राम रहीम इससे पहले MSG द मैसेंजर और इसी फिल्म का सीक्वल MSG 2 द मैसेंजर भी बना चुके हैं और अब जो फिल्म आ रही है यह उनकी तीसरी फिल्म है। वैसे उनकी हर फिल्म की तरह इस फिल्म को लेकर भी उनके प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।